मूंग की दाल, तूर की दाल, मसूर की दाल, चना, छोले, राजमा, जीरा, और क्या खत्म हो रहा है देख ही लेते। अरे सुनो, लिस्ट तैयार हो गई है, जाओ सामान जाके ले आओ। सुना कि नहीं सुना? हे भगवान, ये आदमी एक बारे में कोई बात सुन लेना तो मेरा नाम बदल दो। कानपुर में हड़ताल है क्या? है? अरे आवाज नहीं आ रही क्या? तुम्हें इतनी देर से बोल रही हूँ मैं। क्या है, क्यों तंग कर रही है सुबह सुबह? क्या है क्या है? हाँ, कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ, बोल नहीं रहे? ये लो सामान की लिस्ट और जाके सामान ले आओ। अरे यार, संडे के दिन एक दिन छुट्टी होती है मेरी, उस दिन भी तेरा घर का काम करूँ मैं, तू खुद क्यों नहीं चली जाती शॉपिंग करने? मतलब तुम्हारा संडे संडे, मेरा संडे संडे नहीं होता, मेरा संडे जनवरी फरवरी होता है। हाँ, सुबह से तुम वहाँ पर सो रहे हो, पूरा घर किसने साफ करा? मैंने। तुम्हारे ऑफिस के कपड़े किसने धोए? मैंने। सारा काम किसने करा? मैंने। क्या मेरे नसीब में संडे नहीं है? हाँ, मैं भी चाहती हूँ कि कम से कम छुट्टी का एक दिन मिलता है तो मुझे भी कोई घुमाने लेकर जाए। सारी दुनिया जाती है, चाट पकौड़ी खाने इंडिया गेट, चलो अक्षरधाम ले जाते हैं। नहीं, पर मैंने तो सिर्फ इतना बोला, घुमाने को भी नहीं बोला, मैंने सिर्फ इतना बोला कि ये थोड़ा सा सामान है वो ले। अरे यार ठीक है ठीक है, रोना बंद कर, जा रहा हूँ। हाँ तो जाओ ना। और ये लिस्ट विस्ट लेकर नहीं जाऊंगा, मुझे व्हाट्सएप कर दियो। हाँ व्हाट्सएप कर दूंगी, लेकिन इसमें से एक भी चीज छूटी ना तो फिर देखना खाना भी नहीं नसीब होगा आज तुम्हें, समझ गए? हाँ ठीक है, व्हाट्सएप कर दियो। हाँ यार, इस तो पूरे हफ्ते ऑफिस का काम, छुट्टी के दिन घर का काम, कोलू का बैल बना के रखा है इस औरत ने। क्या है लिस्ट? मूंग की दाल, तूर की दाल, मसूर की दाल, चना, छोले, राजमा, जीरा, धनिया, मिर्ची, मसाले, आलू, प्याज, अंडा, ब्रेड, नोटबुक, डायरी, पेन, पैड्स। उफ, चलो इतना ही सामान है। पैड्स? ये मैं कैसे खरीद सकता हूँ? मैंने पहले ही मना किया था यार, अब क्या करूँ? लोग क्या सोचेंगे, मेरी भी कोई इज्जत है? ये दुकान वाला क्या सोचेगा? मैं नहीं खरीद सकता यार ये पैड्स फूड्स। मैं काम करता हूँ, मैं इसको फोन करके साफ साफ बोल देता हूँ कि मैं नहीं खरीद सकता ये। हाँ? अरे यार मैं ये पूछ रहा था कि ये जो लिस्ट में सबसे आखिरी नंबर पे ये लिखा हुआ है, ये पैड्स ही है ना? हाँ तो? नहीं नहीं, वो मैं कंफर्म कर रहा था, लेकर आना है ना। ज्यादा ना टाइम बर्बाद मत करो, तुम सारा सामान लेके फटाफट घर आओ, और याद रखना कोई भी सामान भूले ना तो खाना नहीं मिलेगा, समझ गए? आ रहा हूँ लेके। हे भगवान, क्या मुसीबत है, अब अगर मैंने ये पैड्स नहीं खरीदे तो मेरे को खाना भी नहीं देगी ये औरत घर पे, क्या करूँ? जी भैया, क्या देना है? ओ भाई साहब, वो एक पैर। जल्दी बताओ ना क्या देना है। पेन किलर दे दो। लीजिए। क्या मुसीबत है, कैसे खरीदूं? हेलो रवि, सोनू, एक बार ये सेक्टर 46 की मार्केट आओ जल्दी। अरे यहाँ आओ, मैं बताता हूँ तुम्हें क्या हुआ है, जल्दी आओ। मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे पास तुम दोनों के लिए एक मिशन है, और इस मिशन का नाम है मिशन पैड्स। तुम दोनों को एक एक मेडिकल स्टोर पकड़ना है, और जैसे ही वो मेडिकल स्टोर खाली हो उस पर हमला करना है। हमला? अरे मेरा मतलब है पैड्स खरीदने हैं यार। हाँ तब ठीक है, अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी जल्दी जाओ और पैड्स लेकर आओ, जाओ, मेरा संडे खराब मत करो, और फोन कर देना मिल जाए तो। हाँ। अरे हेलो रवि, मेरी वाली मेडिकल शॉप से तो यार भीड़ जा ही नहीं रही। अरे यार वही सेम हाल है यार, भीड़ यहाँ पे भी नहीं हट रही है, क्या करें अब? तू मेरे पास आ जा, और भूख भी लग रही है यार, चल छोले भटूरे खा के आते हैं तब तक। चल ठीक है मैं आ रहा हूँ 5 मिनट, रुक रुक वहीं रुक। हाँ।
भाई साहब भाई साहब भाई साहब एक सेकंड ना, ये आपने कैसे किया? मतलब कैसे क्या? मतलब ये खरीदते हुए आपको हिचकिचाहट नहीं हुई? इसमें हिचकिचाहट कैसी? भाई हमारा देश इतना आगे बढ़ गया लेकिन हम लोग अभी भी यहीं पर रुके हुए हैं। ये हमारी माँ बहनों की सेहत की कुंजी है, इसी शर्म की वजह से हमारी माँ बहनें हमेशा बीमार पड़ती हैं। और भाई मेरा तो ये मानना है जो इसे गंदी नज़र से देखता है ना, वो इस दुनिया का सबसे मूर्ख इंसान है। सही बात कह रहे हो आप, बिल्कुल सही बात है। हर किसी को ना आपके जैसी सोच रखने की जरूरत है हिंदुस्तान में। थैंक यू। ओके यार, इसमें शर्माने वाली क्या बात है, मैं भी खरीद सकता हूँ और मैं खरीद के रहूंगा। ओ भाई साहब। हाँ जी भैया। वो एक पैर। साफ साफ बोलो भैया क्या चाहिए? पानी। पानी चाहिए। हाँ जी मैम, एक सैनिक को बैठ देंगे। ये लो मैम। थैंक यू। बहन जी एक्सक्यूज मी, वो मुझे ना आपकी एक छोटी सी हेल्प चाहिए। हाँ जी बताइए। ये पैड्स, क्या आप मुझे ये पैड्स दे सकते हैं? व्हाट पैड्स? इसका क्या करोगे तुम? तुम मेरा मजाक बनाने आए हो ना? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है। मैं तुम जैसे लड़कों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है, उनसे जाके पूछना कभी कितनी तकलीफ सहनी पड़ती है उन्हें। एक थप्पड़ मारूंगी ना मैं। 5,000 रुपए दूंगा इस चीज के। थैंक यू। पेटीएम नंबर अपना बता देना एक बार ना। 98। डन। थैंक यू। मिल गया मुझे पैड, मिल गया मुझे। यस। अरे कितनी देर लगा दी तुमने आने में हैं? और ये क्या हुलिया बना रखा है? जरूर अपने उन निकम्मे दोस्तों के साथ बैठे होगे तुम, तभी ये हाल बना रखा है तुमने अपना। जब कोई इंसान बाहर से थका हारा घर आता है ना, तो उसको पानी पूछते हैं। पियोगे पानी? हाँ। तो जाओ एक ग्लास मेरे लिए भी ले आना, बहुत प्यास लग रही है मुझे। तुझे शर्म नहीं आती? अरे मैं बाहर से थका हारा आया हूँ, मुझसे कह रही है पानी ले आओ। हटो ना यार, तुम देखो जरा सारा सामान लाए हो कि नहीं। एक तो कुछ भी सामान लाने को बोल देती है यार, अगर सामान मेरे को मत भेजे करे यार ऐसे मार्केट। दाल चीनी अजवाइन, सही है। अरे ये क्या है? अब ये मत कहियो कि तुझे दूसरी कंपनी का चाहिए था ये। अरे लेकिन ये लाए क्यों हो? ये क्यों लाए हो का क्या मतलब है? अरे तूने ही तो दिया था यार ये लिस्ट में। ये क्या है लिस्ट में? ये देख ये एंड में क्या लिखा है, पैड्स। तो लेकर आया ना मैं पैड्स। अरे अकल के अंधे हो क्या तुम? पैड लिखा है तो उसके ऊपर भी तो देखो, पेन पेपर पैड। अरे उस पैड की बात कर रही थी मैं, नोट पैड भर गया था मेरा, मुझे दूसरा नोट पैड चाहिए था। ओफो, लिखने वाला पैड। हाँ नहीं लाए क्या लिखने वाला पैड? यार तुम्हें कंफ्यूजन हो रही थी तो मुझे फोन करके पक्का क्यों नहीं कर लिया तुमने, हैं? क्लियर कर लेते। ये क्या बात हुई बताओ? मैंने देखो तुम्हें पहले ही कहा था कि एक भी सामान छूटा ना तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। अब देखो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी, या तो फिर अभी जाकर नोट पैड लेकर आओ। और वैसे भी इसको नैपकिन बोलते हैं, तुम्हें कुछ पता भी है? पैड नहीं होता ये, नैपकिन बोलते हैं इसको हम। तुमने कब मेरे मुंह से ऐसे पैड सुन लिया? खैर वो सब छोड़ो, अब ये बताओ अभी जाके नोट पैड लेकर आ रहे हो क्या? हैं हैं? अरे जवाब क्यों नहीं दे रहे? अरे क्या हो गया? ओ छठ, चलो ये तो बाद में काम आ जाएगा। ओके